लोग, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप अपने बारे में बताइए, क्या करती, कौन है? मेरा नाम एडलीना है, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। एडलीना, हाँ जी। What's the most like adventurous thing you've done in your life? I quit my job. कहाँ काम करती थी आप? तो मैं 5 साल कॉन्ट्रैक्ट सेंटर में थी, ग्रोथ नहीं दिख रहा था मुझे, तो मैंने क्विट कर दिया। मेरा लॉन्ग टर्म विजन है कि मुझे अंडर प्रिविलेज किड्स को पढ़ाई प्रोवाइड करनी है। ओके। या तो मेरे घर के सामने एक म्यूनसिपल स्कूल है, तो फ्रॉम द क्लास 1 to 5 मैं मेरी मॉम उन्हें फ्री एजुकेशन ऐसे इंग्लिश सिखाता। अभी आप कोई जॉब नहीं कर रही हैं? जब भी मैंने क्विट किया 2 साल पहले, तो मैंने लास्ट ईयर कमर्शियल्स किए थोड़े बहुत, मैंने के साथ जो वेब सीरीज है वो की है, एंड दैट्स लाइक पार्ट टाइम करती रहती हूँ। ओके। कितने पैसे कमाती थी आप? माय लास्ट विड्रॉन वाज 50। कैसे खर्च करती हैं? लाइक व्हाट डू यू डू फॉर फन, हाउ डू यू स्पेंड योर मनी? आई लव शूज एंड आई लव फूड, इट मेक्स मी हैप्पी। फूड डजंट रियली अफेक्ट माय बॉडी, तो मैं सब खाती रहती हूँ। हाँ, तो बस। हाँ जी। That's great. You have written, if you had a minute to showcase your talent, हाँ जी, what would it be? Yes. Dancing. आपने लिखा है dancing. Oh. वो तब से रुकी नहीं रही है। तो ऐसे ऐसे energy, I'm energy. I'm very excited. energy control नहीं हो रही है। Okay, now we'll start. हाँ जी। Okay. आप में physical ability नहीं अपने आप को खींचने की। लेकिन आप में mental चालाकियत है। कि जब रस्सी चढ़नी थी तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और रस्सी चढ़ी। यू नीड समबडी हू स्मार्ट, हू डज गेट्स द जॉब डन। थिंग्स फॉल इजी इन योर लैप, लाइक इजीली यू गॉटन दिस शो एंड इट्स अ बिग डील व्हाट यू आर डूइंग। इट इज अ बिग डील एंड आई एम मैनिफेस्टिंग इट एवरी डे। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम I need it and that is why I'm getting it. एक बात बताओ कि अगर आप एक सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके और एक और लड़की के बीच में, एक आपकी जॉब पर जो आप कर रही थी वहाँ पर प्रमोशन की बारी आई, क्या आप प्रमोट होने के लिए ब्राइब करेंगी या जैक लगाएंगी, अपने इमीडिएट बॉस को बोलेंगे कि इन दोनों में से मेरे को ऊपर? नहीं, जरूरत नहीं। आई थिंक आपका हार्डवर्क और जो भी आप पूरे साल में दिखा देते हो, so, वो इनफ हो जाता है। यू बिलीव इन, एक तो मैनिफेस्टेशन मतलब वर्ल्ड में बोलना, yes. और दूसरा अपने हार्डवर्क और अपने मेरिट पे सिलेक्ट होना। 100% यू बिलीव इन इट? यू बिलीव इट? आई डेफिनेटली बिलीव इन इट। 100%? 100%। ओके। आपका चेस नंबर क्या है? नहीं पता मुझे, आप मत बताइए, मत बताइए। निखिल, इनका चेस नंबर बताना एक बार। Chess number 2931. ये मुझे कैसे पता? मुझे पता है, मेरे दोस्त ने बताया आपको। सॉरी? मुझे पता है, मेरे दोस्त ने बताया आपको। आपके दोस्त को आपका चेस नंबर कैसे पता? नहीं, मैंने उसको खाली बोला कि मैं जा रही हूँ, तो मैं उसने कहा कि मैं बता दूंगा, तो मैंने कहा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चेस नंबर क्यों दिया आपने? मैंने उसको खाली बोला कि मैसेज मत कर, बट आई डिडंट really go deeply in the conversation. से मांगा मैंने, दे दिया, ऐसे मैंने double thought नहीं दिया उसके ऊपर। न्यू कहीं पे कहीं थोड़ा सा chances बढ़ जाते हैं। नहीं, on नहीं चाहिए था ना सर। Right? No, not like that. No. आपको पता है, आपका चेहरे का रंग ना गायब हो चुका है। नहीं, because मैंने बताया उसको और he still goes and does it. Yes, because you gave him the number. Yeah. Control जिंदगी में manifestation एक चीज होती है, खुद की जिंदगी का control किसके पास होता है? किसके पास होता है? मेरे पास। खुद के पास। आपने वो कंट्रोल किसी और को दिया। निखिल, आपको कैसा लगा जब ये मैसेज आया आपके पास? एक तो जिससे ये मैसेज आया, मैं उससे अभी बात नहीं करता हूँ। क्या ये बात आपको पता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको पता है कि मैं क्यों बात नहीं करता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता सर। Been in the public eye recently? I think so. He had sent me a link on some article. उसने कहा कि यार ये सीन है, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, रूमर है ये वो। ना ठीक है। I don't know, I'm trying to join the dots, but I feel like the article is not a pleasant article. I know, I agree with you.
there must be a rock solid reason ki Nikhil us insaan se baat bhi nahi kar raha. To aapko kab se janta hai wo ladka? We just met a couple of times aise to. Kitne time se? Pura exact batao. 3 mahine, 3-4 mahine. Aise to mere ko koi 3 mahine mein milega to main usko bhi kuch nahi dunga ki yaar ye approach ke liye. Act of being cool and casual. जो इंसान किसी ऐसे इंसान को मैसेज कर रहा है जिसके खिलाफ अजीब सी अफवाहें उड़ रही हैं, मतलब she really wants it. It's not casual. अगर आप हमारी जगह होती, आप अपने आप को सिलेक्ट करती. For the thing that I have done, मैं honestly बोल रही हूँ नहीं, but for me being me, yes. That is a part of you, Adlina. Yeah. It's very much a part of you.